जब भी जो भी ग्राहक हमारे यहाँ आइएगा, अच्छा और स्वादिष्ट अगर खाना है तो 5 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि मैं गर्मा गर्म ही बना कर देता हूँ, ठंडा मेरे पास कोई सामान नहीं मिलेगा। तो भाई कैसा लगा इनका बड़ा पाव, आप बताएंगे कुछ? भैया इनके यहाँ से मैं 1 साल से कस्टमर हूँ। 1 साल से? हाँ, इसी पर जवाब रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसके वजह से कुछ हमें ये भी डर नहीं रहता कि ये कैसा तेल है, कैसा क्या। हाँ, हाँ, हाँ। हमारे सामने की बात है, टिनटिन फास्ट फूड बन होता है। हाँ हाँ जी जी, स्वाद एक नंबर। निवासपुरी गेट नंबर 8 पे, और इधर से गुजर रहा था, ये भाई साहब दुकान लगा रहे हैं। देखिए क्या क्या चीज़ के लगाते हैं, और इनसे आज मिलते हैं और क्या क्या बेच रहे हैं। अरे भाई क्या क्या बेच रहे हैं, बड़ा सजा बजा रहे हैं दुकान। भाई क्या क्या बेच रहे हैं बताएंगे कुछ? ये निवासपुरी में गेट नंबर 8 के पास मैंने एक नई दुकान डाली है। अच्छा अच्छा। इसमें मुंबई के कुछ फेमस आइटम है। अच्छा अच्छा। जैसे मुंबई का वड़ा पाव हो गया जी, और आपका ब्रेड पकौड़ा हो गया जी जी जी, और आपका मिर्चा भरवा मिर्चा हो जाता है, पाव हो जाता है नासिक का, और भजिया पाव हो जाता है, साबूदाना वड़ा हो जाता है, ऐसे 5-6 आइटम है। अच्छा अच्छा। यही आपका तो बड़ा यूनिक आइटम लग रहा है, ये तो दिल्ली में मुश्किल ही मिलता है, ये तो सारे बम्बई के आइटम है। हालांकि जो बम्बई में, जो भाई बम्बई में रहे होंगे तो सब इनको आइटम उनको पसंद है और पता भी है यहाँ, और दिल्ली में तो लगता है नया नया खुले हैं अभी यहाँ। अच्छा चौथा हफ्ता चालू है। सब्सक्राइब। तो फिर है, आप देखिए रेडी करते हैं, आज हम भी आपके दुकान का टेस्ट करेंगे और हमारे पब्लिक को भी देखते हैं, टेस्ट बताएंगे कैसा लगता है। तो दोस्तों देख सकते हैं भाई 8 नंबर गेट पे निवासपुरी के यहाँ पे इनकी दुकान है। अभी मैं इधर से गुजर रहा था तो भाई के दुकान पे आ गया, और ये भाई अभी अभी लगा भी रहे हैं, अभी उनका पूरा रेडी नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं अभी इनका ये बैनर भी लगा हुआ है, दुकान का नाम है टुनटुन फास्ट फूड कार्नर। तो देख सकते हैं भाई अभी देख रहे हैं, सब रेडी कर रहे हैं, और फिर रेडी होने के बाद मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, भाई का क्या क्या आइटम है और कैसे बनाते हैं। और चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या दूध रहा है तू, जो है अन कही जो है अन सुनी, वो बात क्या है बता। ये साबूदाना वड़ा है जो दिल्ली में साबूदाना टिक्की अच्छा, नाम से जाना जाता। अच्छा हाँ, साबूदाना टिक्की जो दिल्ली में फेमस है, तो भाई ने उसी की कॉपी किया है, और यहाँ पे साबूदाना टिक्की का भी व्यवस्था है। पाव के साथ इसे भी खाते हैं? पाव के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा अच्छा। ये है साबूदाना वड़ा पाव। सो गाइस भाई से मिलते हैं, भाई क्या नाम आपका? हमारा नाम भैया प्रकाश चंद्र पड़ता है। अच्छा प्रकाश चंद्र। तो दोस्तों देखिए प्रकाश चंद्र है, ये भी मेरा भी नाम प्रकाश है, ये दोनों भाई के मैच हो रहे हैं, और ये खुश दिल इंसान है यहाँ, और देखिए इनका ये रेडी। और ये भाई अभी यहाँ पे देखो जो निवासपुरी मतलब कॉलोनी है गेट नंबर 8, और उन्होंने अभी 4 हफ्ता हुआ है खोले भाई का, और जो भी इनका आइटम है शाम तक इनका ख़त्म हो जाता है 5 बजे तक अभी, और जो कि इनका अच्छा मतलब रैंक हुआ है दुकान का भी कोशिश जो किया है, और धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे बढ़ाएंगे मतलब अपना जो भी मतलब कस्टमर जिस हिसाब से इनका रिक्वायर्ड होता जाएगा और माल बढ़ाते जाएंगे। और ये भाई देखिए मिर्ची भी काट रहे हैं फ्राई करने के लिए। और भैया तो जब भी जो भी ग्राहक हमारे यहाँ आइएगा, अच्छा और स्वादिष्ट अगर खाना है तो 5 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि मैं गर्मा गर्म ही बना कर देता हूँ, ठंडा मेरे पास कोई सामान नहीं मिलेगा।
भैया कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं ये? भैया सुबह 8:30-9 के बीच में आ जाता हूँ, और शाम को 4-5 बजे तक माल मेरा खत्म हो जाता है, घर चला जाता हूँ। अगर कोई कस्टमर आना चाहे तो कितने बजे से कितने बजे के बीच मिलोगे? ये मान के चलो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक तो कंफर्म है। कंफर्म है, अगर वो आता है तो आप यहाँ मतलब वो आप आओ तो दुकान पे मिल जाए सकता है। और उसके बाद मान लो सामान खत्म हो गया और फिर आए तो क्षमा चाहूंगा दूसरे दिन के लिए। बहुत अच्छी बात है, और आपकी आइटम बहुत मशहूर है, एक बार जरूर सब लोग खा करके देखिएगा। क्योंकि नई जगह की नई चीज है, जब तक खाकर नहीं देखेंगे इसका स्वाद आपकी समझ में नहीं, आप खाएं और दूसरे को लेके आए मजा तब आता है। सही है, देखो दिल्ली का ये देखो आपको नया आइटम स्टार्ट किया है, बम्बई का तो वाकई लोग पसंद करेंगे, और इसका टेस्ट भी बड़ा पाक होता है, ऑल इंडिया में वही मशहूर है, फेमस है। और कुछ बंदे लाजपत नगर से आते हैं, अच्छा अच्छा उन्होंने ये बताया कि लाजपत नगर से आपका बेहतर। तो दोस्तों ये देखिए भाई का वड़ा पाव, और आज हम टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है। और ये याद आ गया, मुंबई याद आ गया दोस्तों, मुंबई में रहता था तो बहुत खाता था वड़ा पाव, और आज दिल्ली में मुझे मुंबई का स्वाद मिल गया, दिल खुश हो गया। बड़ी मुद्दत के बाद ऐसा मतलब पाव खाने को मिला है, क्योंकि जब मुंबई में था तभी खाने को मिलता था, अब भाई की दुकान पर मिल गया है खाने का। खाने के बाद तारीफ सभी ग्राहक हमारे कर रहे हैं। हाँ भाई देखो यूनिक इनका आइटम है, बिल्कुल अच्छा है, और मिर्चा वर्चा भाई फ्राई सब मसाला सब जो है। सो गाइस इनके ग्राहक आने स्टार्ट हो गए हैं, और ये भैया के फ़ोन करके आप ही ने फ़ोन किया था, देखो भैया इतना फेमस हो चुके हैं, इनके सब ग्राहक कॉल करके आने लगे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और इनके बड़े ग्राहक रहेंगे तो अच्छी बात है, कॉल करके आके ताकि उनको टाइम से गर्मा गर्म मिल जाए। और ये भैया निकाल रहे हैं बड़ा बिल्कुल गरम गरम। भैया कैसा स्वाद लगा, कुछ बताएंगे भैया? बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा मजा आ गया। इनके दुकान पे पहली बार खाए या किसी से कभी? मैंने पहली बार खाया। अच्छा पहली बार खाए? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, बहुत टेस्ट बिल्कुल अच्छा है ना, बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र का दे रहे हैं टक्कर। हाँ मजा आ गया। तो भाई कैसा लगा इनका वड़ा पाव, आप बताएंगे? थैंक्स फॉर वाचिंग। एक साल से इडली सांभर बेचते थे। अच्छा अच्छा, साइकिल पे पूरे कॉलोनी में। हाँ हाँ, घर जाकर के। अच्छा अच्छा, इनका स्वाद एकदम लाजवाब रहा है। लाजवाब रहा है, सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज फॉर वाचिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके वजह से कुछ हमें ये भी डर नहीं रहता कि ये कैसा तेल है कैसा क्या। हां हां हां, हमारे सामने अच्छा अच्छा क्वालिटी का तेल होता है। हां हां जी जी, स्वाद एक नंबर। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू।